शनिवार की देर रात से लेकर रविवार की सुबह तक जमकर हुई बारिश ने बीते 3 दिन से पड़ रही उमस भरी भीषण गर्मी से लोगों को राहत दिला दी है। मौसम विभाग के पैमाने पर शनिवार की शाम से रविवार की दोपहर 10 बजे तक 43 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। आसमान में काले और घने बादल जमे हुए रह रहकर कभी तेज तो कभी मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विशेषज्ञ के पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला रुक रुक कर अगले 3 दिन तक जारी रहेगा। मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि हवा के कम दबाव की जो पट्टी शनिवार की सुबह तक राजस्थान से लेकर उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही थी, वो अब नेपाल के पहाड़ों तक जा पहुंची है। देर रात से शुरू हुई बारिश उसी का नतीजा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से की पूर्वी हवाओं में बना चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र भी बारिश का माहौल बनाने में सहयोग कर रहा है। ये सिलसिला रुक रुक कर 22 जुलाई तक बरकरार रहने का पूर्वानुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं हल्की मध्यम तो कहीं मध्यम से भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। Hello, hello.